नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर की क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अतिव्यापन। याद रखिएगा दोस्तों, अतिव्यापन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे चल के हम बहुत सारे बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, संकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको जानने से पहले हमें अतिव्यापन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अतिव्यापन ओवरलैपिंग के माध्यम से ही हम संकरण को जान पाएंगे, बहुत सारे बंध के बारे में जान पाएंगे, बॉन्ड के बारे में जानते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसके बारे में सुने हैं ना, तो हम इसी से उनको समझ पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड वीक होगा, है ना, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि अतिव्यापन होता क्या है। ठीक है, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरे क्लास को बहुत ही सावधानी से आप लोग अटेंड कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए और रसायन आपको बिल्कुल भी कठिन न लगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो मैं आपको अतिव्यापन पढ़ाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में जो खेत होता है ना, तो खेत में क्या होता है, बहुत आपको मजा भी आएगा और आपको अतिव्यापन 100% समझ आएगा। तो चलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारे गांव में खेत होता है, ठीक है, और खेतों में इस प्रकार का मेड़ जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत सारे इस प्रकार के चारों तरफ मेड़ होता है। अब जब धान बोने का दिन आता है या कोई फसल बोने का जो दिन आता है, तो उसमें क्या करते हैं, कई किसान जो है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो किसान क्या करता है, मेड़ को साफ करता है। तो क्या करता है, वो जो फावड़ा है उनसे उनसे वो क्या करता है, अपनी मेड़ की जो जमीन होती है वो क्या करता है, थोड़ा लालच में आ जाता है। तो क्या करता है, वो इधर दूसरे व्यक्ति का खेत है ये देखिए, और ये उनका स्वयं का खेत है, तो ये क्या करता है, फावड़े से इस प्रकार वो क्या कर लेता है, ऐसा मतलब अपने वाले जमीन के भाग को क्या कर लेता है, वो बढ़ा लेता है। तो इसका जमीन इस प्रकार दिखने लग जाता है, मतलब उसका जो खेत है उसका जो साइज है, रकबा कहा जाए, थोड़ा से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, ये जो मिट्टी है उसको काट के अपने हिस्से में मिला लिया है। तो ये जो मेड़ जिसको हम बोलते हैं, वो देखिए इसका जमीन का भाग बढ़ गया है। तो कुछ दिन बाद ये जमीन वाला देखता है, अरे इसने तो ये मेरे भाग को ले लिया है, तो वो क्या करता है, यहां आएगा, वो इस वाले भाग को इधर बढ़ा देता है ऐसे। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, दोनों ही व्यक्ति जो है अपने जमीन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो जितना भाग इसने इधर काटा है उतना ही इसने इधर काट दिया। तो इसको हम गांव में क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं अतिक्रमण। कैसे अतिक्रमण, अरे इसने मेरे खेत पर अतिक्रमण कर दिया है ना, तो इसने इधर अतिक्रमण किया, तो इसने भी तो उसका बदला निकाल लिया ना अतिक्रमण करके। गांव में बोलते हैं ना, मतलब जो सरकारी जमीन होता है उसको कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, तब हम उसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो ये भी तो वैसा ही हो रहा है ना, अतिक्रमण कर ले रहा है जबरदस्ती। अब ध्यान दो, यदि ऐसा होता, इसी को यदि हम कक्षक में करें, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों एक ही जगह होता। अब जमीन में तो एक जगह नहीं हो सकता, तो कक्षकों में जब वो एक ही जगह होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है ना, तो उसे ही हम अतिव्यापन कहेंगे। कैसे, ये देखो ये तो जमीन है, इसी को यदि मैं क्या बना दूं, कक्षक बना दूं, है ना, एक रफ समझा रहा हूं, फिर इसके डिफाइन में जाएंगे हम, परिभाषा में जाएंगे। तो मान ले ये कक्षक, पी कक्षक है, तो एक और अन्य कक्षक हमने लिया था ना, दो जमीन ही तो लिए थे, एक जमीन लिए थे तो एक हमने हवा ले लिया था, क्या एयर की बात कर रहे थे क्या, नहीं, अगर हमने एक पी कक्षक लिया है तो दूसरा भी कोई कक्षक ही होगा, चाहे वो एस हो या पी हो। तो ये देखिए, अगर एक और पी कक्षक लेते हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या करें, ओवरलैपिंग करें। यहां पर मैंने क्या बताया था, जमीन में क्या बताया था, अलग अलग जगह बताया था, लेकिन जब हम कक्षक की बात करेंगे तो यहां पर देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इतने भाग को अतिक्रमण कर रहा है, मतलब
देखो इधर से बात करते हैं तो इतना भाग किसका था, इस कक्षक का था, लेकिन इतने ही भाग पर इस कक्षक का भी क्या है, अधिकार है। मतलब जितने को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उतने भाग पर इस वाले पी कक्षक का भी भाग है और इस वाले पी कक्षक का भी भाग है। तो जितना भाग दोनों के लिए हो रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, अतिव्यापन बोलेंगे। इसीलिए तो हम ये भी पढ़ते हैं ना कि जब अतिव्यापन होता है तब उसमें रासायनिक बंध बनता है ना, और संकरण में भी यही हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब बॉन्ड बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन साझा होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो साझा होगा वो विपरीत चक्रण के होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसके आधार पर, ये तो हो गया अतिव्यापन, तो अतिव्यापन को हम परिभाषित कैसे करेंगे। यहां पर देखिए मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिख रखा है कि अतिव्यापन है क्या, और इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए हमने कक्षक को परिभाषित करने के लिए, अतिव्यापन को परिभाषित करने के लिए, कक्षक में जो अतिव्यापन होता है जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसको परिभाषित करने के लिए हमने क्या लिया है, यहां पर लिख रखे हैं कि जब दो परमाणु, ध्यान दीजिएगा अतिव्यापन दो परमाणुओं में होगा, एक ही परमाणु में नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है वो एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं लेकिन दो होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है जब दो परमाणु समीप में होते हैं तब उनके दोनों कक्षक आंशिक रूप से क्या होंगे, अतिव्यापन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब दो परमाणु निकटतम होंगे, नजदीक में होंगे, तो उनके जो कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है तब हम ये मानते हैं कि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन सहभाजित हो पाएंगे। और ये बात भी याद रखना है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, सहभाजन हो रहा है, मतलब साझा हो रहा है। और निश्चित रूप से जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सहभाजन होगा, तो क्या बनेगा, बंध बनेगा, रासायनिक बंध बनेगा। तो इसमें मैंने स्पष्ट लिख रखा है, अतः इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के लिए आवश्यक है कि क्या हो, उसमें अतिव्यापन। अब ये अतिव्यापन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो अतिव्यापन है क्या। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी अतिव्यापन होगा तो उसमें क्या होगा, रासायनिक बंध बनेगा। और एक बात और याद रखना है, ये रासायनिक बंध हो जाए किस पर निर्भर करेगा, अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये जो रासायनिक बंध है वो किस पर निर्भर करेगा, अतिव्यापन पर निर्भर करेगा। तो निश्चित रूप से आपको ये याद रखना है, सहसंयोजकता बंध, दो जो अर्धपूरित कक्षक होंगे, है ना, इसका मतलब यह है बंध जो बनेगा वो कब बनेगा, जब हम देखते हैं कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है पूरे नहीं भरे हैं, इसका मतलब वो अर्धपूरित है, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह है। इसका मतलब यह है, निश्चित रूप से हमको ये समझ आ रहा है, अतिव्यापन जब होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, तो वो हमेशा विपरीत चक्रण के होते हैं, है ना, समान चक्रण के कभी भी नहीं होता। रासायनिक बंध में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ना, उनके जो चक्रण होते हैं वो हमेशा कैसा होता है, विपरीत चक्रण के होते हैं, है ना। तभी तो हम कहेंगे ना कि अर्धपूरित कक्षक को अगर उनको क्या करना है, पूर्णपूरित करना है, मतलब तो वो क्या करेगा, फिर वो साझा करेगा। तो निश्चित रूप से अगर किसी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है, देखो क्लॉकवाइज, तो अब ये अर्धपूरित है, तो इसमें किसी अन्य परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, तब वो क्या करेगा, उसको पूर्णपूरित करेगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, फिर बंध का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉन क्या था, क्लॉकवाइज था, अब जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लियर हो गया इतना कि हम ये जान गए कि जो बंध बनाता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, विपरीत चक्रण के होंगे। ध्यान दीजिएगा, समान चक्रण के जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो आइए अब हम अतिव्यापन को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम अतिव्यापन को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि किसी परमाणु का एस कक्षक अन्य परमाणु के एस कक्षक से ही क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, तब उसे हम क्या कहेंगे,
देखिए वो कहलाएगा एस एस अतिव्यापन, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एस एस अतिव्यापन किसे कहेंगे, जब किसी एक परमाणु का एस कक्षक जो अर्धपूरित होगा, है ना, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जगह खाली रहेगा, वो किसी अन्य परमाणु के एस कक्षक से ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करेगा, तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अतिव्यापन कहेंगे ना। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हम क्या बोलेंगे, एस एस अतिव्यापन कहते हैं। अब भाई हम ये तो जानते हैं कि एस कक्षक, चलो एस कक्षक का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो हम ये मानते हैं कि इसमें तो हम कई अक्ष खींच सकते हैं, जैसे एक वृत्त में हम कई क्या खींच सकते हैं, त्रिज्याएं खींच सकते हैं, कई व्यास खींच सकते हैं, है ना, ये देखिए। तो इसी प्रकार इनके तो कई अक्ष हो सकते हैं, तो एस एस अतिव्यापन में हमेशा कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एस कक्षक है, ये हो गया, तो ये पहला एस कक्षक किसी अन्य परमाणु के एस कक्षक से ही क्या करता है, अतिव्यापन करता है। तो ये देखिए ए एस कक्षक है, तो इसके अक्ष को हम इस प्रकार मान सकते हैं और इसके अक्ष को भी इस प्रकार मान सकते हैं। तो ये जब क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, तो ये जो एस कक्षक है, ठीक है, वो किसी अन्य कक्षक के एस कक्षक से ही क्या करेगा, साझा करेगा। तो ये जो सहभाजन हो रहा है, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। और इसमें अक्ष तो समान है, तो इसमें हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एस एस अतिव्यापन में दोनों कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का वो जो चक्रण होगा, जो क्या करेगा, अतिव्यापन में भाग लेगा, जो रासायनिक बंध में भाग लेगा, उसका चक्रण हमेशा विपरीत होने चाहिए, और विपरीत होगा ही, क्योंकि समान चक्रण तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एस एस अतिव्यापन में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इस प्रकार के जो अतिव्यापन है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम समाक्षीय अतिव्यापन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें इनके अक्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन समाक्षीय अतिव्यापन की परिभाषा को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल ये जान गए कि एस एस अतिव्यापन होता है कब, जब दो परमाणु के एस कक्षक जो है अर्धपूरित होते हैं और वो क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा एस एस अतिव्यापन हो गया। इसके बाद देखेंगे एस और पी अतिव्यापन, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। तो एस पी अतिव्यापन यहां पर ऐसा करेंगे, ये देखिए। अब इसके लिए तो आपको परिभाषा तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, जब किसी परमाणु का एस कक्षक किसी अन्य परमाणु के पी कक्षक से, और वो कक्षक क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए, अर्धपूरित होने चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे से अतिव्यापन कर सके। अतिव्यापन करने के लिए आवश्यक होता है कि विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा में भाग लेते हैं और बंध बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई अन्य कक्षक, देखिए किसी एक परमाणु का एस कक्षक, मैं यहां पे एस कक्षक बना देता हूं, ये एस कक्षक है किसी परमाणु का और किसी अन्य परमाणु का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए मैं क्या बनाता हूं, पी कक्षक बनाता हूं, ये देखिए, तो ये एस कक्षक है और ये पी कक्षक है। तो एस कक्षक जब पी कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर आपको पी कक्षक मिलेगा और यहां पर ये एस कक्षक, तो इसमें ओवरलैपिंग कहां पे हो रहा है, यहां पर देखिए इस भाग में, ये वाला भाग, ठीक है। तो यहां पर भी हम इसमें एक अक्ष खींच सकते हैं ऐसा। तो यहां पर भी क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब भी समाक्षीय अतिव्यापन होता है तो इनमें अक्ष समान है, तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और इतना तो याद रहना चाहिए कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, एसपी अतिव्यापन होगा। इसी प्रकार पीपी अतिव्यापन होता है, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, पीपी अतिव्यापन के आधार पर ही हम समाक्षी और पार्श्वी अतिव्यापन को परिभाषित करते हैं। तो आइए मैं आपको पीपी अतिव्यापन के आधार पर इन दोनों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं।
आइए दोस्तों अब हम पीपी अतिव्यापन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमने दो तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, ये होता है पीपी अतिव्यापन। ठीक है, ये हो गया पीपी अतिव्यापन। अब पीपी अतिव्यापन किसे कहेंगे? जब किसी एक परमाणु का पी कक्षक किसी अन्य परमाणु के पी कक्षक से ही क्या करता है, अतिव्यापन करता है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, पीपी अतिव्यापन बोलेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि उनके कक्षक क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए, और जो साझा में भाग लेते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चक्रण क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, पीपी अतिव्यापन बोलेंगे। अब इसके आधार पर ही पीपी अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला होता है समाक्षीय अतिव्यापन और दूसरा होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। अब ये तो समझ आ गया होगा, नाम में ही छुपा हुआ है, समाक्षी मतलब जिनके अक्ष समान, वो समाक्षीय अतिव्यापन है, और पार्श्व मतलब क्या होता है जी, बगल, साइड होता है ना, तो पार्श्वीय अतिव्यापन मतलब बगल से जो अतिव्यापन करे, पार्श्व से अतिव्यापन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्वीय अतिव्यापन बोलेंगे। कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। तो इसके हम दो प्रकार लिख लेते हैं, ये पहला हो जाएगा समाक्ष, ठीक है, और इसी का दूसरा हो जाएगा पार्श्वीय, ठीक है, ये हो गया पार्श्वीय अतिव्यापन। ठीक है, एक होता है समाक्षीय समाक्ष और दूसरा होता है पार्श्वीय। समाक्ष किसे कहेंगे, जब पी कक्षक जो है किसी दूसरे पी कक्षक से मिलता है लेकिन उनके अक्ष समान होने चाहिए, ठीक है, तो वो समाक्षी कहलाएगा। तो आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पी कक्षक है, इस प्रकार ये लिखिए, ये पी कक्षक है और ये पी कक्षक किसी अन्य परमाणु के पी कक्षक, या परमाणु वही हो सकता है लेकिन दो परमाणु तो होने चाहिए, तो देखिए दो अन्य परमाणु है, एक परमाणु ये है पी कक्षक वाला, ये भी पी कक्षक वाला है, ये दोनों क्या करेगा, साझा करेगा, यहां पर तो साझा करेगा। तो देखिए इनका जो अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, इनका अक्ष जो है ये है और इसका भी अक्ष ये है, तो दोनों के अक्ष एक ही होंगे और वही क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। तो ये देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ये अक्ष है ये पहले पी कक्षक के लिए है, ये देखिए, और दूसरे पी कक्षक के लिए भी अक्ष वही है क्योंकि इनके अक्ष ऐसे ही हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हो रहा है ओवरलैपिंग अतिव्यापन, ठीक है, और हमको पता है जब अक्ष समान होता है ना, तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, यदि पीपी अतिव्यापन हो रहा है और उसमें भी समाक्षीय अतिव्यापन हो रहा है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है हमेशा प्रबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हमें देखना है पार्श्वीय अतिव्यापन। अभी पार्श्वीय अतिव्यापन क्या है जी, ये तो बड़ा सरल है, इसमें क्या होता है, अक्ष समान है, देखिए इनका अक्ष ये था, इनका अक्ष ये है, जब दोनों ने अतिव्यापन किया तो दोनों का जो अक्ष है वो क्या था, एक ही था। लेकिन पार्श्वीय अतिव्यापन इसमें खुद ही लिखा है कि पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है साइड, मतलब ये अतिव्यापन तो करे लेकिन साइड से करे, निश्चित रूप से जब ये साइड से अतिव्यापन करेंगे तो इनके जो अक्ष होते हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे, यहां पर देखिए मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास दो परमाणुओं के इस प्रकार के पी कक्षक है, ये पहला हो गया पी कक्षक और दूसरा पी कक्षक, और ये देखिए अब इन दोनों पी कक्षक के अक्ष तो अलग अलग हैं, यहां पर देखिए इनके अक्ष इधर हैं और इनके अक्ष इधर हैं, ठीक है। तो क्या ये अभी अतिव्यापन कर रहे हैं, नहीं, जब ये पार्श्व रूप में अतिव्यापन करेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला भाग है ना, ये डंबल का कार जो दिख रहा है ना, और ये डंबल का कार, तो इस डंबल के कार से जब क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो मैं करके यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिएगा यहां पर हमें एक पी कक्षक मिला, ये देखिए, और दूसरा पी कक्षक यहां पर बना रहा हूं, इनके अक्ष आप लोग देखिएगा, इनके अक्ष अलग है, और एक और पी कक्षक मैं बना रहा हूं यहां पर, देखिए ये देखिए, ये देखिए, तो इनके अक्ष भी अलग हैं, यहां पर मैं खींच देता हूं, ये देखिए, तो हमको दो अक्ष मिल गया, ये देखिए। तो यहां पर आप देखिए दोनों पी कक्षक जो है पार्श्व रूप में क्या कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है, यहां पर देखिए
इतना भाग जो है अतिव्यापन किया और इतना भाग जो है अतिव्यापन किया। तो निश्चित रूप से यहां पर और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पार्श्व से जुड़े हैं, बगल से जुड़े हैं और इनके अक्ष समान नहीं है। इनका अक्ष ये है और इनका अक्ष ये है, दोनों के अक्ष अलग अलग हैं। इसीलिए तो इसको हम पार्श्वी अतिव्यापन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बगल से अतिव्यापन कर रहा है। और जब बगल से अतिव्यापन करता है तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि पाई बॉन्ड जो है दुर्बल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, पीपी कक्षक में समाक्षी अतिव्यापन भी होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए पी और पी में समाक्षी अतिव्यापन भी होता है और पी में पार्श्वी अतिव्यापन भी होता है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि समाक्षी अतिव्यापन और पार्श्वी अतिव्यापन दोनों को दिखा सकते हैं पी कक्षक में। कैसे, इस प्रकार, हमें ये तो पता है कि डंबल का आकार का होता है, तो ये डंबल हो गया, तो ये पी कक्षक का डंबल आकार हो गया। तो यहां पर कौन सा बांड बन रहा है, सिग्मा बांड। लेकिन ये और ये, यहां पर आप देख सकते हो ये और ये मिला ना, और इधर से ये और ये मिला। तो यहां पर देखिए ये और ये मिला, लेकिन हमने ये वाला नहीं बनाया था। तो ये देखिए यहां पर सिग्मा बांड बनेगा और जब ये और ये मिलेगा ये दोनों, तो यहां पर कौन सा बांड बनता है, पाई बांड बनता है। तो निश्चित रूप से हमने समझ लिया कि एस एस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन क्या है। ध्यान दीजिएगा, पीपी अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं, समाक्षी और पार्श्वी। समाक्षी अतिव्यापन में हम देखें कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और पार्श्वी अतिव्यापन क्या होता है, बगल से अतिव्यापित करता है, पार्श्व रूप में अतिव्यापित करता है। तो इनका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब बनता है ना, जब समाक्षी अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और पार्श्वी अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार हमने आज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझा, अतिव्यापन को समझा, और अतिव्यापन के माध्यम से ही हमने सहसंयोजकता बंध को भी समझा। याद रखिएगा, इस बंध के आधार पर हम आगे चल के संकरण के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि अतिव्यापन को समझें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हीलियम और हाइड्रोजन में दोनों का जो अणु के रूप में अस्तित्व है वो किसका अस्तित्व होता है, उसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ आएगा। उसके लिए आवश्यक था कि पहले हम किसको जाने, अतिव्यापन को जाने। तो दोस्तों आज हमने अतिव्यापन को जाना। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। और दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।